मिला है उसको लेके हम लड़ेंगे और थैंक यू। दरवाजा खोल दिया भाई, बाहर से मैं गर्मी में मर गया था। रोक कर पहुंचेंगे आगे हम, चाहे कितने हो कदम। क्या आधी पूरी पी लिया? क्यों भाई, भैया की चाय पास नहीं तेरे को? अमित भाई लाइट कब तक आएगी? लाइट सर ऊपर से बाहर है सर। अच्छा, लाइट वाले का नंबर है क्या आपके पास जहाँ से आती है वो? सर है ना, अभी वो कंप्लेंट कराने का फोन नहीं उठा रहे। चलो एक बार हमें भेज देना नंबर वो, ठीक है? तू ये बता मेरी गिटार किस टाइम तक ठीक करा रहा है? करा देंगे यार, तू मेरा ले जा। Before we get into things, can I call you Gigi? ये देखो भाई, पूरी रात निकल गई, ठीक है? अभी भी 10:30 बज रहे हैं। और what the fuck, यहाँ तो कोनी की डेड बॉडी पड़ी है। कौन है वहाँ पे? तो इनकी फटी, और ये दोनों भागे ट्रक के नीचे छुपने। ऐसा नहीं हो सकता, वो सब बच्चे तो फॉस्टर होम्स ढाने के लिए बड़ा किया जाता है, तो अब लिए बड़ा किया जाता है। क्या बोलूं भाई, बोलने के लिए बचा क्या है जिंदगी में। तो मेरे चेहरे को इसमें बोल रहा है रागिनी एसएमएस से रिमाइंड, देश में जब ब्लॉगर सब का संडास दिखा रहे थे, बच्चे होते हुए दिखा रहे थे, प्रेगनेंसी बीवी की पहली फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी जिसे हम उनका कंटेंट बोलते हैं, तो एक आदमी ने उसका प्रोसेस दिखाने का सोचा। तो बताए रियल स्टोरी में बेसिकली वो लड़का गायब हो, ये दोनों गए थे खाली सुनसान जगह पे, और फिर रात के टाइम पे लड़का मराठी बोलने लगा और बेहोश हो गया। फिर ये भी अचानक से बेहोश हो गई, थोड़ा इसको शौक लगा, बेहोश हो गई। फिर वहाँ छोटे छोटे गाँव के बच्चे थे, उन्होंने देखा बेहोश है, वहाँ के लोग उसको उठा के लेके गए और हॉस्पिटल वगैरह में सब दिखाया, और लड़का कभी मिला नहीं। तो एकता कपूर को लिटरली ये स्टोरी पता चली, क्योंकि इसका अपनी फ्रेंड होता है जो बालाजी में काम करती थी, एकता कपूर ने मूवी वाली सोची और एमएमएस का एंगल डाल दिया। तो गाइस हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रागिनी एमएमएस की रिकॉर्डिंग पंखा बंद करके। एक तो हाथ चिकने हो रहे ना, तूने हाथ धोए नहीं लाने के बाद? अरे चिकने रहते हैं हाथ, चिकने गर्मियों में पसीने की वजह से ना गीले गीले भी रहते हैं। इसमें तेरा रिकॉर्डिंग भी ऑन है, ठीक है? सिलेक्टेड नहीं है वो, इसलिए क्योंकि हिल गया था ऑप्शंस। अच्छा वो हिल गया था, पीछे गया ऑप्शंस में जाना, वो देखते हैं ना वापस सेलेक्ट करेंगे। बंद करके चालू कर ले, रीस्टार्ट बेस्ट टेक्निक है भाई। चले यार, इसमें जो जापानीज डायलॉग थे वो फिर कौन बोलेगा? जापानीज डायलॉग तो बेसिकली जो भूत रहती है ना वो मराठी भूत रहती है, ठीक है? तो मराठी में आके ऐसा बोलती है कि मी ना मार लो है, ऐसा करके बताती है कि मैं चुड़ैल ना हूं, ना ही है, ऐसा करके, ठीक है?
तो हमने सोचा कि यार ये तो मराठी बोल रही है, हम तो जापानीज़ आएंगे तो वहाँ पे लाइक तो उसके हिसाब से लिखा है तो ठीक है बोल दियो ना आ जा मैं बोल दूंगा क्योंकि लंबे लंबे डायलॉग से तो मैं उसको बोल दियो चलेगा जो आ रहेगा तो मैं बता दूंगा सिगरेट ले आना एक सिगरेट पी लेते हैं सिगरेट नहीं पीते हम लोग हां नहीं हम ऐसे ही बस मजाक कर रहे हैं हम ये चेक कर रहे थे कि तुम्हें शक हो रहा है क्या बस ले आओ सिगरेट पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है हम दिखाएंगे कि कैसे हानिकारक होता है लेकर चूतिए इतना करना देश में जब व्लॉगर्स अपने घर का संडास दिखा रहे थे जिसे हम उनका कंटेंट बोलते हैं ना जब अपनी बीवी की फर्स्ट मंथ से लेकर 10th मंथ प्रेगनेंसी दिखा रहे थे तब एक अंडररेटेड स्ट्रगलिंग एक्टर ने सोचा कि वो व्लॉगिंग करके ये दिखाएगा कि बीवियां प्रेग्नेंट होती कैसे हैं मोतोशिबा मोजोदेवा अरिमासेन मोतोशिबा मोजोदेवा अरिमासेन ओके रेडी इसका मीनिंग भी है ना कुछ हां मैं चुड़ैल नहीं हूं क्योंकि ये लिखा भी उसी चीज का ये बोल पाए ततकाय रागिनियो तास्तके ते ये बोल लेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तूने बोला था ना कि मेरे को बुला लेना नहीं 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 तू कर लेगा या इसको ना पता कर ले करे वातशियो हनारे मासे बस बाहर आवाज में बोल लेंगे ठीक है और पहले वाले में फिर आप ही बोल दे रहा हां पहले वाला वापस तू रिपीट कर दे वो पहला वाला भी बोल दे तू कितना जोर से बोलना है मेरे को बताओ से तू बस ऐसा कि एनीमे स्टाइल बोलते बेसिकली वो ऐसे होता है क्रीपी में आराम से बोल रहा है डायलॉग या फास्ट फास्ट पर इस पर एनिमेशन ततशियो और इतनी जापानीज बोलने के बाद इसने खुद को एनीमे की मौत दे दी वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब हां कर दो लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब